मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन है कि 8.4 एक्सरसाइज का फिफ्थ का सिक्स पार्ट गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड पहले से साइन कोस की फॉर्म में चेंज है, गिवन आपको पहले से। तो क्या करें, एलसीएम एलसीएम ही नहीं ले सकते क्योंकि वन और साइन दोनों का डिनोमिनेटर वन है, एलसीएम लोगे तो सेम वैल्यू आएगी। कॉमन वन और साइन में से कॉमन सिर्फ वन आता है, तो कोई मतलब नहीं, आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे, ना ही यहाँ पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है देखिए स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड हम राइट करते हैं 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन। इस टाइप के क्वेश्चन हमें क्या करना है जिसमें ना तो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते, ना कॉमन होगा, ना एलसीएम है। तो देखिए 1 माइनस साइन ए डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूँ रूट के अंदर, देखा रहे हमसे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन। रेशनलाइजेशन क्या होता है डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में अगर दो वैल्यूज प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में है तो उनके बीच का साइन चेंज कर दीजिए। माइनस था तो हमने प्लस करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है देखिए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस साइन ए इज कंप्लीट का स्क्वायर ओवर, इसको लिख देता हूं 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन। ठीक है, अब देखना जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है, पहली वैल्यू सेम है तो मैंने इसके प्लेस से ए लिख दिया, फिर यहाँ माइनस का साइन यहाँ पर प्लस का साइन, सेकंड वैल्यू सेकंड टर्म दोनों में सेम है बी बी और ब्रैकेट देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई क्या होती है ए स्क्वायर माइनस, तो ये हमें यहाँ पे अप्लाई करना, बाकी सब सेम है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस में कितना है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि साइन ए का स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमने आइडेंटिटी अप्लाई की ए माइनस बी ए प्लस बी। इसके बाद देखिए न्यूमरेटर सेम रहेगा 1 प्लस साइन ए का होल, डिनोमिनेटर में क्या बना 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर करें तो क्या आएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक अब देखना मुझे यहाँ पर secant और tan चाहिए, secant tan कब आएगा जब sin by cos या 1 by cos होगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ sin और sin भी बना, तो क्यों ना इस sin को cos में चेंज करें, क्या पता हमारा आंसर ट्रू हो जाए। अब इस sin को cos में कैसे चेंज करें देखिए, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा है हमने। अगर मैं इस sin स्क्वायर a को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दूं क्या बचेगा आपके पास, ओनली cos स्क्वायर a बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है उसके प्लेस पे आप कोस स्क्वायर ए पुट कर दीजिए। ठीक है, बाकी सब सेम, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ओवर में कोस स्क्वायर। अब देखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू का स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए ओवर कोस ए दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर को मैंने एक साथ लिख दिया, अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल जो बचा उसे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए ओवर में कोस। ठीक है, अब दो वैल्यूज प्लस की फॉर्म है और उनका डिनोमिनेटर सेम है तो उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं हम किस तरह से, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए ओवर कोस। देखिए ऐसे 2 प्लस 3 ओवर 4 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 बाय 4 प्लस 3 बाय 4, वही किया हमने। अब 1 बाय कोस किस तरह से प्रोपोल होता है, कोस सेकेंड का प्लस साइन ओवर कोस क्या होता है स्टूडेंट टेंजेंट, यही आपको प्रूव करना था सेकेंड ए प्लस में टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो कोई आइडेंटिटी है ना कोई कॉमन है, हमने क्या किया सिर्फ रेशनलाइजेशन किया और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं देखिए सेवन पार्ट, उसमें क्या आइडेंटिटीज या क्या रूल हम अप्लाई करेंगे सोल्व करने के लिए देखिए इस तरह से। देखिए क्या क्वेश्चन है सेवन पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट
थीटा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर भी साइन और कोस की फॉर्म में तो ऑलरेडी गिवन है, अब देखते हैं क्या कोई वैल्यू कॉमन आ सकती है। न्यूमेरेटर देखा साइन थीटा दोनों में कॉमन है, नीचे से कोस और कोस कॉमन है, तो पहले कॉमन ले लेते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड को इलेबोरेट करता हूं, साइन थीटा न्यूमेरेटर में कॉमन है, कॉमन लेने का मतलब है जो वैल्यू कॉमन लिया उसे से डिवाइड करना, तो साइन में से मैंने साइन कॉमन लिया, साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन लिया, कैंसिल करोगे तो वन बचेगा, माइनस टू साइन क्यू थीटा, राइट। कॉमन का मतलब बता रहा हूँ जो वैल्यू कॉमन ली है उसी से डिवाइड करना, साइन थीटा से डिवाइड करो, ऊपर पावर तीन है नीचे पावर वन तो कैंसिल होगी, ये बराबर देगी टू पावर, ठीक है, टू साइन स्क्वायर ओवर में कोस थीटा, कॉमन लिया हमने तो क्या बचा टू, और कोस की पावर तीन में से एक पावर बाहर गई, कितनी पावर बचेगी टू पावर, माइनस कोस थीटा था वही मैंने बाहर ले लिया, कॉमन में क्या बचा बस। अब आगे देखिए टेंजेंट थीटा को रूल करना, साइन और कोस टेंजेंट होता है, इसी तरह अगर ये वैल्यू मैं यहाँ से हटा देता हूँ साइन और कोस टैन बन जाएगा, लेकिन इन वैल्यूज को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, सेम कब होगी जब ऊपर नीचे दोनों तरह गया तो साइन हो गया कोस हो, तो मैं क्या करता हूँ इस साइन को कोस कर लेता हूँ या इस कोस को साइन कर लेता हूँ, आपकी चॉइस है, कुछ भी कर सकते हो, मैं साइन को कोस बना लेता हूँ, ठीक है। कैसे देखिए एक फॉर्मूला होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन है, मुझे साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर लाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पुट करते रहिए आप, पुट कैसे करना है इसका ध्यान रखिए, वन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा, टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा स्टूडेंट वन माइनस क्यू, क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि हमें दोनों तरफ सेम वैल्यू करनी है इसीलिए कोस डाल रहे हैं कोस थीटा। अब डिनोमिनेटर में पुट मत कर देना गलती से, अगर डिनोमिनेटर में पुट कर दिया कोस की जगह साइन तो ऊपर कोस थीटा साइन बात तो वही रहेगी, हमें तो सेम लाना है ना, तो नीचे कोस है इसको कोस है, ठीक है। आगे सोल्व करिए देखिए साइन थीटा वन एज इट इज माइनस टू इंटू वन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस टू इंटू कोस स्क्वायर थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा और में कोस थीटा क्या बचा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का रह गया क्या साइन थीटा, वन माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस वन प्लस का टू कोस स्क्वायर थीटा ओवर में कोस थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। देखिए सेम वैल्यू है प्लस का टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस का टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको एक बार फिर से लिख दीजिए थोड़ा सा अरेंज करके टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन ओवर कोस थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का, इससे ये कैंसिल साइन बाय कोस बचा क्या आएगा साइन थीटा ओवर कोस इक्वल टू क्या होता है टेंजेंट, ये आपको प्रूव करना था कि साइन बाय कोस किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट टेंजेंट थीटा। इसका सेवन पार्ट था, क्या किया सबसे पहले हमने साइन कोस कॉमन लिया न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से, फिर देखा अगर ये वैल्यूज कैंसिल हो जाए तो कोस हो जाएगा, सो उसके लिए साइन को कोस या कोस को साइन में कर लिया, तो मैंने साइन की जगह वहां से वैल्यू पुट की वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट किया मल्टीप्लाई के तो आया वन माइनस टू प्लस टू कोस स्क्वायर, वन माइनस टू किया तो माइनस वन प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, अब इसको थोड़ा अरेंज करके मैंने आगे लिख दिया टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, डिनोमिनेटर में टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन है कैंसिल, पता साइन बाय कोस यानी कि टेंजेंट थीटा और वो किसके इक्वल राइट हैंड साइड पे, ओके। तो सिंपल रूल है, आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए क्या आइडेंटिटीज है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो भी है, कॉमन किस तरह से हम ले सकते हैं एलसीएम किस तरह से लेना, अगर ये चीज आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर, ओके स्टूडेंट्स।